सो यो व्हाट्सएप गाइस, गाइस फाइनली आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर आ चुका हूँ काफी टाइम के बाद। सो गाइस इस वीडियो में मैं आप लोगों को ढेर सारा अपकमिंग इवेंट्स वगैरह दिखाने वाला हूँ और साथ ही साथ भाई बताने वाला हूँ कि हमारा जो नेक्स्ट ईवो वॉल्ट इवेंट होगा उसमें कौन सा ईवो गन आएगा। सो गाइस वीडियो का पूरा एंड तक वॉच करना, बहुत मजा आने वाला है। सो गाइस क्लास स्क्वाड रैंक में आप जैसे हीरोइक पहुंचोगे ना तो आप लोगों को ये वाला जो ड्रेस है ना वो बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगा सीजन 23 में, मींस अभी यार कुछ दिनों में आने ही वाला है, तो उसमें आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में मिलेगा और मुझे लिटरली काफी बढ़िया लगा है। काफी सारे बंदे लोग वेट कर रहे हैं इसका 2.0 का। सो फाइनली गाइस यहां पर फाइनल लुक आप लोग कुछ इस तरह से देख सकते हो कि एनिमेशन वगैरह भी यहां पर निकल कर सामने आ रहा है और भाई एनिमेशन वगैरह को देखकर तो काफी बढ़िया लग रहा है मुझे। बाकी ये जो स्कार है वो मैगलाडोन अल्फा स्कार तो अच्छा तो नहीं बोल सकते भाई, उससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता है भाई स्कार का स्किन, ऐसा मुझे लगता है क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड आप लोग भी जानते हो। बाकी देखो यार एबिलिटी तो उसी के टक्कर का होगा क्योंकि ईवो गन है, लेवल 4 तक जैसे ही अपग्रेड करोगे तो आप लोग को अच्छा खासा एटीट्यूड वगैरह देखने को मिल जाएगा। बट अभी जो भी लुक निकल कर आ रहा है वो मैं आप लोग को सामने यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। बाकी ये जो गन स्किन है वो इस मंथ तो बिल्कुल ही नहीं आने वाला है, नेक्स्ट ईवो वॉल्ट इवेंट में बिल्कुल ही नहीं आने वाला है, उसके बाद में भी आ सकता है, मैं आप लोग को आने वाले टाइम पे आप लोग को अपडेट दे दूंगा। सो गाइस 29 जनवरी या तो 30 जनवरी को आप लोग को कंफर्म ये इवेंट देखने को मिल जाएगा आपके इंडियन सर्वर में। और गाइस ये जो इवेंट होने वाला है ना ये काफी तगड़ा इवेंट होने वाला है क्योंकि इसमें आप वन स्पिन में डायरेक्ट ईवो गन को मैक्स कर पाओगे। जी हाँ गाइस जितना भी ईवो गन यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो सारा ईवो गन यहाँ पर रहेगा और उसमें से आपको एक गन सेलेक्ट करके उसमें स्पिन करना पड़ेगा, अगर आप लोग का लक अच्छा रहेगा तो वो एक ही बार में यार मैक्स हो जाएगा। सो गाइस इतना भी ज़्यादा खुश मत हो क्योंकि यार यहाँ पर डायमंड तो काफ़ी ज़्यादा लगने वाला है आप लोगों का, और दो सेक्शन आया है जिसमें से एक में तो ज़्यादा डायमंड लगेगा और उसमें रिक्स नहीं है, और दूसरा जो सेक्शन है उसमें कम डायमंड लगेगा, वही सेम चीज़ होगा बट उसमें रिक्स है क्योंकि आपका जो ईवो गन है ना लेवल 7 का होगा या 6 का होगा तो डायरेक्ट वो नीचे गिर जाएगा, 1 लेवल में आ जाएगा। आई होप कि ये बात भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाकी इसको मैं फुल डिटेल में बताने वाला हूँ, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं पक्का डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। बाकी गाइस नेक्स्ट अपडेट की ओर चलते हैं। सो गाइस यहाँ पर नेक्स्ट इवेंट कुछ इस टाइप से आप लोगों को देखने को मिलने वाला है और ये भी कुछ रिंग ही इवेंट होने वाला है और इसमें आप लोगों को ये वाला बंडल देखने को मिलने वाला है, डेविल बंडल आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। लिटरली ये जो बंडल है ना वो मुझे यार काफ़ी बढ़िया लग रहा है यार, देखने में काफ़ी मस्त लग रहा है, बट आप लोग को इस बंडल को निकालने में कितना डायमंड लगेगा वो मैं आप लोग को बता देता हूँ तभी आप लोग इस बंडल को निकालने का सोचना। सो गाइस इस बंडल को निकालने में आप लोग का मिनिमम भाई 2000 डायमंड तो लगने ही वाला है भाई। बाकी गाइस ये इवेंट आप लोग को बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा, इसका कंफर्म डेट मैं आप लोगों को बहुत ही जल्द वीडियो बनाकर बता दूंगा, बाकी इतना जान लो कि फैब में आने वाला है। बाकी यार गाइस नेक्स्ट अपडेट क्यों चलते हैं, नेक्स्ट इवेंट क्यों चलते हैं। सो गाइस आप लोगों को यहाँ पर बहुत जल्दी आप लोगों को गोल्डन सैट का इवेंट देखने को मिलेगा, कुछ इसी टाइप से रिंग इवेंट रहने वाला है और इस इवेंट में आप लोगों को सारे के सारे सेट बंडल्स देखने को मिल जाएंगे, लाइक गोल्डन सेट, ब्लू सेट और एक ब्लैक वाला जो है ना वो सारे सेट वगैरह बंडल वगैरह इसमें अवेलेबल रहेगा। बट आप लोग जो मेन जो यहाँ पर सेट बंडल आ रहा है ना ये वाला, इसको आप लोग एक्सचेंज नहीं कर पाओगे। जी हाँ गाइस इसको एक्सचेंज नहीं कर पाओगे, बाकी जितने भी यहाँ बंडल हैं वो सब एक्सचेंज स्टोर में अवेलेबल रहेंगे, जैसे कि क्रिमिनल बंडल वाला इवेंट आया ना वैसे ही इवेंट रहे। एंड गाइस अगर इस इवेंट का कंफर्म डेट का अगर बात कर लिया जाए सो गाइस फैब मंथ में तो आने से रहा, बाकी आएगा तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा, बता दूंगा कि कौन सा डेट में आएगा। बाकी आप लोगों को ये जो इवेंट आप लोग को इससे पहले मैं दिखाया हूँ वो मार्च में आएगा, बाकी मैं यार आप लोग को अपडेट देता रहूंगा वीडियो बनाकर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो गाइस यहाँ पर कुछ ऐसा आप लोगों को एबिलिटी का स्किन देखने को मिला है, मिलने वाला है डीजालो का, और ये जो एबिलिटी का स्किन है ना मुझे लिटरली काफ़ी ज़्यादा फनी लगा है क्योंकि यार डार्क वगैरह निकल रहा है, मस्त लगा भाई मस्त है। और ये तो आप लोग को फ्री में ही मिलेगा कुछ लिमिटेड टाइम के लिए और ये आप लोग को समर के टाइम में मिलने वाला है। तो गाइस ये इवेंट अभी आप लोग के गेम में अभी इतने जल्दी तो आने वाला नहीं है, ये लेट से आएगा, बाकी कब आएगा वो मैं बता दूंगा भाई कोई और वीडियो में। बाकी इतने ही लीक्स मिला था कि ये आप लोग को समर के टाइम में देखने को मिलने वाला है।
मीन्स मार्च वगैरह के टाइम। तो फाइनली गाइस बात कर लेते हैं वैलेंटाइन डे स्पेशल इवेंट आने वाला है आपके गेम फ्री फायर में। सो गाइस उसी का यहाँ पर कौन कौन सा बंडल वगैरह आने वाला है वो सब देख लो। मेल बंडल आप लोग देख सकते हो कुछ इस टाइप से होने वाला है, जो यार ज़्यादा एनिमेशन वगैरह नहीं है ना इस कारण भाई ये बंडल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी आप लोग अभी सोच रहे होगे कि ये फ्री में मिलेगा, तो मैं बता दूं यार नहीं, ये फ्री में नहीं मिलने वाला है, ये डायमंड वाला इवेंट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और फीमेल बंडल लिटरली भाई मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है, क्योंकि इसमें एनिमेशन वगैरह निकल रहा है, दिल वगैरह बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। ये फीमेल का बंडल मुझे काफ़ी बढ़िया लगा है पर्सनली यार, बाकी मेल का उतना भी बढ़िया नहीं लगा है, बट ठीक ठाक है यार, उतना बढ़िया है ठीक है। बट डायमंड अगर लगेगा तो भाई मैं तो कोई बंडल नहीं निकालूंगा, ना ही फीमेल बंडल ना ही मेल बंडल। बाकी गाइस ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोग को डायमंड वाला इवेंट ही देखने को मिलेगा वैलेंटाइन डे स्पेशल इवेंट में, नहीं भाई आप लोगों को कुछ आइटम फ्री भी देखने को मिलेगा। बाकी मैं आने वाले वीडियो में वो सारे इवेंट वगैरह कवर करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा। बाकी यहाँ पर इवेंट इमोट बोल सकते हो, ये इमोट आप लोग देख पा रहे होगे, ये इमोट आने वाला है और एक और इमोट आने वाला है वैलेंटाइन डे स्पेशल इवेंट में। कि यार 100% कंफर्म मत समझ लेना ये इवेंट को, आप लोगों को ऐसा रिंग इवेंट में भी देखने को मिल सकता है या तो कोई अदर इवेंट में देखने को मिल सकता है, पॉसिबिलिटीज है कि कुछ इस टाइप से इवेंट में आप लोग को देखने को मिले। बाकी हो सकता है इमोट पार्टी इवेंट में आप लोग को इमोट वगैरह देखने को मिल जाए। बाकी जो भी होगा आने वाले टाइम पर मैं आप लोग को अपडेट दे दूंगा। बाकी आप लोग जो भी यहाँ पर आने वाला है वो सारा आइटम्स मैं आप लोग को पहले ही दिखा दिया हूँ, देख लो यही सब आने वाला है। बाकी डायमंड से ही मिलेगा, फ्री में नहीं मिलेगा, ये बात मैं बार बार बता दे रहा हूँ। बाकी आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हो क्या वैलेंटाइन डे इवेंट का, कमेंट में जरूर बताना। मैं तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा हूँ भाई, बिल्कुल ही नहीं कर रहा भाई वैलेंटाइन डे स्पेशल इवेंट वगैरह का वेट। मैं तो वेट कर रहा हूँ ईवो वॉल्ट इवेंट का, नेक्स्ट ईवो वॉल्ट इवेंट कौन सा होने वाला है भाई, भाई मेरे को भी निकालना है। और भाई कोबरा MP40 लिटरली भाई कोबरा MP40 का क्रेज़ तो काफ़ी ज़्यादा ही है, ये तो भाई सच है। बाकी भाई मैं भी काफ़ी टाइम से यार कोबरा MP40 का वेट कर रहा हूँ, जो मेरे सब्सक्राइबर है उन्हें पता होगा, क्योंकि यार मेरे पास कोबरा MP40 नहीं है और मेरे अंदर चूल मचा हुआ है इसको मैक्स करने का भाई। बाकी जब आएगा निकालेंगे, मन करेगा तो मैक्स करेंगे, वरना भाई लेवल 4 या 6 करके छोड़ देंगे। बाकी जो होगा आने के बाद ही पता चलेगा, मेरा मूड पे डिपेंड है कितने डायमंड में निकलेगा क्या होगा। अगर 5-6 हज़ार डायमंड लग जाएगा इसको निकालने में तो मैक्स कहाँ से कर पाएंगे भाई, 4-5 लेवल ही करना पड़ेगा फिर। होगा मैक्स तो होगा ही होगा, पर जल्दीबाजी में नहीं होगा, बाद में होगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो नेक्स्ट ईवो वॉल्ट इवेंट कुछ इसी टाइप से होने वाला है, मीन्स यही होने वाला है। मे बी इसमें से 1-2 गन स्किन्स चेंज हो सकते हैं, बाकी आप लोग को कोबरा MP40 देखने तो मिलेगा ही मिलेगा, 99% चांसेस है कि आप लोग को नेक्स्ट ईवो वॉल्ट इवेंट में कोबरा MP40 ही देखने को मिलेगा। बाकी गाइस अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए क्या कर रहे हो भाई, मैं इतना सारा अपडेट वगैरह आप लोग को दिया हूँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।